चल 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 शुरू कर। सर एक मिनट, वाचो साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। चार हल्के लाहौर के, ये इस पे क्या सोचते हैं? ठीक है, हम चाहते हैं अमन अमान बरकरार रहे और एक पोलिंग जो है इसी में हो जाए। था ना वो, आप कैसा देख रहे हैं? लोग निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, टर्नओवर बहुत है, टर्नओवर अच्छा है, लोग निकल रहे हैं आ रहे हैं। ये चीमा साहब की गिरफ्तारी के बारे में वो कह रहे हैं, वहां को करेंगे गिरफ्तारी, क्या हाल है? वो उधर रोजना चलेंगे, शिवली को पकड़ने चलेंगे, अपने जुल्फी को पकड़ने, इतना लोगों को गिरफ्तार किया तो थोड़ा। ये क्या जादू किया आपने, रात से इस्तीफे आना शुरू कर दिया आपकी इनका लॉल से। अच्छा, और भी मजीद आएंगे। थैंक यू जी। वाचो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वाचो साहब की गुफ्तगु आपने सुनी, इस वक्त वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि आज की जो वो जो जीत है वो इनकी होने वाली है। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुशर्रत जमशेद चीमा साहब के लिए सुबह से हम टीवी पे एक बुरी खबर देख रहे हैं कि जमशेद चीमा साहब को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप सर सर फाड़ दिए, सुना तारा साहब कह रहे हैं आपने सर फाड़ दिए। बिल्कुल भी नहीं, वो तो है ही जोकर, नौकर, बेसिकली मुंशी, बेसिकली उसको झूठ बोलने के अलावा, जैसे कनीजी है तो ये कनीजा है ये मेल वर्जन है कनीज का। अच्छा। झूठ बोलना बगैर एविडेंस के, भाई वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारा मीडिया मौजूद था, इन्होंने मेरी गाड़ी के ऊपर अटैक किया है, इन्होंने हमें धक्के दिए हैं, बेसिकली वर्कर्स आपस में लड़े हैं, जब आप और ये इनके लोग हमें, हमारे लोगों को और हमें मार रहे थे, तो वो पता नहीं उसको, मुझे लग रहा है खुद चोट लगाई है ताकि वहाँ पे एक सीन क्रिएट करके, और वहाँ पे लोगों को सुबह से हरास करने का सिलसिला जारी था। सुबह से हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं बैठने दिया जा रहा था, जो कि मीडिया ने रिपोर्ट किया, हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी पॉइंट पे थी, सारा मीडिया मौजूद था, मीडिया की मौजूदगी में ये हुआ है। वहाँ पे एक ऐसा अहमक है जेड़ा जंज पराई ते नच रहा है, बेसिकली वो कौन? वो लोटा है, वो लोटा है शानदार, जो जो इनमें से ये प्लास्टिक के लोटे हैं वो अपने आप को कहता है मैं जरा सुपीरियर, मैं पीतल का लोटा हूँ, ठीक है, स्टील का लोटा हूँ। तो मैं उस स्टेनलेस स्टील के लोटे को बताती चलूं कि ये पराई जंज है, इसमें अहमक ना बने, थोड़ा नाचे, उतना नाचो जितना तुमसे कल को बर्दाश्त हो सके। पुलिस को मैं बताऊं कि रात से पार्टी इज ओवर, गेम इज ओवर, पीएमएलएन इज ओवर, यू आर कॉन्फिडेंट के ये जा रहे हैं? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि रात जलील शरफपुरी साहब के रेजिग्नेशन के बाद हम अक्सरियत में हैं और वो अकलियत में हैं, और उसके अलावा आज जो आप हालात देख रहे हैं जनरल इलेक्शन से ज्यादा अच्छे हालात है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है कि लोग निकले, ये घबराए हुए लोग हैं, और जो इनके हुक्म के ऊपर इनके नौकरे शाही बने हुए हैं, मैं उनको बताती चली जाऊं, इनकी हुकूमत चली गई है। कल मैं इंशाल्लाह प्रिविलेज मोशन मूव करूंगी असेंबली में, कल हमारा इजलास है। कुछ पुलिस अफसरान जिन्होंने रियासती मुलाजिम होने के सबूत देने की बजाय उन्होंने रियासती दहशत गर्दी फैलाई हुई है, हम उनको पूछेंगे, हिसाब लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या मैं बार बार आपकी सीनियर लीडरशिप से भी पूछ रहा हूँ कि क्या क्या जादू किया आपने, इस्तीफे आ रहे हैं, ये सच में वो न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल तो नहीं हो गए? ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह अल्लाह हक है, अल्लाह हक और सच के साथ है, और इंशाल्लाह पता। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चोल साहब ने गोलियां चलाई है, क्या ये बात दुरुस्त है? एब्सोल्युटली नॉट।